मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम का सिविल लाइन स्थित महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर जिला आपदा प्रबंध अधिकरण द्वारा आयोजित हुआ, जिसमें मॉक ड्रिल कर आगजनी से आपदा से बचाव के लिए जानकारी दी गई। जिसके संबंध में महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य कृष्णा चटर्जी ने बताया कि फायर ब्रिगेड के ऑफिसर द्वारा आगजनी आपदा से बचने के लिए जानकारी दिया गया। उन्होंने बताया कि अगर घरों में सिलेंडर में या पाइप में लीकेज हो जाए कैसे उसको बुझा सकते हैं उसके बारे में बताया गया और साहस के साथ काम करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर सिलेंडर में कहीं से भी लीकेज होता है तो उसे गीला कपड़े या उंगली से उस लीकेज की जगह को दबा के आग को बुझा सकते हैं और अपने परिवार और खुद को सेफ रख सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य कृष्णा चटर्जी ने कहा, अब ये देखिए पालसी से इसका मैं ऑक्सीजन केवल बन सकता, अब इसको मैं बुझाऊंगा आपके बोरिया बिजली हुई बोरिया से या चादर खुला। चलिए आप देखिए आप किसका जो आपके जैसे मान लीजिए कि यहाँ लग जाती है आज यहाँ लग जाती है या यहाँ लग जाती है उसकी दवा मैं बताऊँ। देखिए नहीं बुझा क्योंकि हमारा निशान नहीं नहीं लग देखिए नहीं बुझा पकड़ूंगा पुश करूँगा इसमें से पाउडर निकलेगा और बुझा देगा। देखिए अगर निशाना लग गया तो सही ये पकड़िए कृष्णा चटर्जी प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज तथा महाराणा चिल्ड्रंस अकेडमी गोरखपुर सिविल लाइन्स। आज मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम में फायर ब्रिगेड से आए थे ऑफिसर मिस्टर तनवीर अहमद सर। बहुत बढ़िया तरीके से सर ने दिखाया हम लोगों को कैसे अगर बाय चांस घर में गैस सिलेंडर से आग लग जाए लीकेज हो जाए पाइप में भी तो कैसे उसको तुरंत हम लोग बुझा सकते हैं। और जो मुझे लगा सबसे बड़ी बात है साहस के साथ काम करना है, डरना नहीं है। जो डरेंगे तुरंत उपस्थित बुद्धि खो बैठेंगे, तो उपस्थित बुद्धि होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी दिखाया कैसे बाल्टी से बुझा सकते हैं, गीला कपड़े से बुझा सकते हैं, सूखा कपड़े से, कुछ भी ना हो तो उंगली से उस लीकेज जगह को दबा के हम लोग आग को बुझा सकते हैं और तुरंत खुद को सेफ रख सकते हैं, घर के सभी को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। और भी आपदा के बारे में जानकारी दी जैसे भूकंप के बारे में। हाँ, भूकंप के बारे में सर ने कुछ कहा हम लोगों कैसे अगर भूकंप आ जाए तो घर से जितना जल्दी हो सके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बाहर में आ जाए और सुरक्षित जगह पे आ जाए। अगर रास्ता कंजेस्टेड हो तो वहीं पे ना आए, खुला जगह पे आ जाए। और जो आदमी घर के अंदर रुक गए हैं वो लोग घर का किसी कोने को पकड़ ले और उसी जगह पे वो लोग रह जाए। सर की अगर टेबल है मजबूत वाला, अगर पलंग है तो उसके नीचे छुप जाए ताकि वो गिरेगा भी जो सीट वगैरह तो उसी के ऊपर आगे सेफ हो जाए, अपना सर को और शरीर को सुरक्षित रख पाएंगे हम लोग।